Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School, Bhuna. Welcome in day 3 of class 8, chapter number 8, cell structure and function. We have started this chapter and discuss about cell level of organization from cell to organism. Today we will discuss cell shape and size. तो देखिए different organism have different type of cell. जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होंगे. सेल शो वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ देयर शेप एंड साइज. सेल के अंदर क्या होगा, जो हर मतलब जो डिफरेंट सेल्स हैं उनकी शेप और साइज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. द शेप एंड साइज ऑफ सेल डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक फंक्शन. जो शेप और साइज है सेल का वो डिपेंड करेगा स्पेसिफिक फंक्शन पे, जो क्या है एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा. एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और साइज ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करेंगे. तो सेल शेप, सेल्स शो ए ग्रेट वेरिएशन इन देयर शेप. सेल्स क्या करते हैं, ग्रेट वेरिएशन शो करते हैं शेप में. जैसे किसी की स्फेरिकल होगी, किसी की स्पिंडल शेप होगा, कोई इलोंगेटेड होगी, कोई ओवल शेप होगी. सभी सेल की शेप क्या होगी, डिफरेंट होगी. तो स्फेरिकल में क्या है, एग ऑफ मैनी एनिमल क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं. स्पिंडल शेप में स्मूथ मसल जो फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, स्पिंडल शेप. इलोंगेटेड कौन सी होती है, नर्व सेल. ओवल शेप क्या होती है, रेड ब्लड सेल. और ब्रांच्ड कौन सी होती है, ऑस्टियोसाइट्स एंड सो ऑन. सम सेल्स मे नॉट हैव ए डेफिनेट शेप. कुछ सेल की शेप डेफिनेट नहीं होती, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप. उनकी शेप क्या होती है, चेंज होती रहती है, जैसे अमीबा और वाइट ब्लड सेल. द शेप ऑफ ए सेल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फंक्शन इट हैज टू परफॉर्म. जो शेप है सेल की वो डिपेंड करेगी टाइप ऑफ फंक्शन पे. एग्जाम्पल क्या है, ए नर्व सेल इज वेरी लॉन्ग एंड हैज वायर लाइक प्रोटेक्शन. जो नर्व सेल है वो क्या है, बहुत लॉन्ग है और वायर लाइक प्रोजेक्शन होंगे जो क्या है इससे बाहर आएंगे. दिस प्रोजेक्शन हेल्प द नर्व सेल कैरी मैसेज. ये प्रोजेक्शन क्या करेंगे, नर्व सेल की हेल्प करेंगे मैसेज को ले जाने में और उसे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक सेंड करने में. मसल सेल एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट. मसल सेल क्या करेंगी, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होंगी. देयर लॉन्ग थिन शेप हेल्प देम टू डू दिस. मतलब कि जो उनकी लॉन्ग और थिन शेप है वो हेल्प करेगी उन्हें ऐसा करने में. ऑल द सेल कॉम्पोनेंट आर एनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन. जो सभी सेल कॉम्पोनेंट है वो एक मेम्ब्रेन में एनक्लोज होंगे. दैट प्रोवाइड शेप टू एवरी प्लांट एंड एनिमल सेल. जो क्या करेगी, प्लांट और एनिमल सेल को शेप प्रोवाइड करेगी. देखिए दिस इज द ओवन शेप, आरबीसी की शेप दिस है. दिस इज द शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी, फैट सेल, स्मूथ सेल और बोन सेल, नर्व सेल और ह्यूमन स्पर्म. ये सभी सेल्स हैं जिनकी अलग अलग शेप है. नेक्स्ट है सेल साइज. द सेल एंड देयर ऑर्गेनल्स आर मेजर बाय फ्रैक्शन ऑफ ए मिलीमीटर. जो सेल और उनके ऑर्गेनल्स हैं वो किससे मेजर करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर से. 1000 ऑफ ए मिलीमीटर इज कॉल्ड माइक्रोन और माइक्रोमीटर. तो 1000 है मिलीमीटर का, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर. 1 माइक्रोन और माइक्रोमीटर क्या है, 10^-3 मिलीमीटर के इक्वल. मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज. जो बहुत सारे सेल हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं साइज में एंड आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई. और नेक्ड आई से वो विजिबल नहीं है. दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड. फिर उन्हें क्या है, देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड होगी. द साइज ऑफ मतलब जो सेल का साइज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, लेकिन जो ओस्ट्रिच की सेल होगी मतलब उसका साइज क्या है, थोड़ा सा लार्ज है. बट बैक्टीरिया की जो सेल है उसका साइज स्मॉल है. जो हमारी रेड ब्लड सेल है वो स्मॉलेस्ट है, लेकिन नर्व सेल क्या है, इलोंगेटेड है. जो एल्गे हैं उसमें सिंगल सेल होगी, लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर. द साइज ऑफ सेल हैज नो रिलेशन विद द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म. मीन्स सेल का बॉडी साइज के साथ कोई रिलेशन नहीं है. सेल ऑफ ए वेरी बिग एनिमल इज नॉट बिगर देन द सेल ऑफ स्मॉल एनिमल.
देखिए ऐसा नहीं है कि जो बिगर एनिमल है उसकी सेल क्या होगी बड़ी होंगी और स्मॉलर एनिमल की सेल क्या होंगी छोटी। द साइज ऑफ ए सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, जो साइज है सेल का वो इसके फंक्शन से रिलेट करेगा। एग्जाम्पल है द नर्व सेल ऑफ बोथ रैट एंड एलिफेंट आर लॉन्ग, जो नर्व सेल है रैट और एलिफेंट की वो लॉन्ग है एंड ब्रांच दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन, वो क्या करती हैं सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगी, मीन्स उनका काम क्या है मैसेज को ट्रांसफर करना। नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल डिफर इन देयर शेप एंड साइज, ऑल सेल हाउएवर शो सम सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर, अ टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के भी आगे अलग अलग पार्ट्स हैं, सभी के अलग अलग फंक्शन हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, एवरी सेल इज बाउंड बाय थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन, मतलब कि जो हर एक सेल है वो थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन से बाउंड होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन या आप लोग स्टडी करोगे कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है, और ये एक्टिविटी है दो। फर्स्ट एक्टिविटी है टू ऑब्जर्व अनियन पील सेल अंडर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मीन्स हमने क्या करना है अनियन पील को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है। तो जब हम एक ऑनियन पील को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा या क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, उसके अंदर की सारी सेल देख पाएंगे। तो सेल में हमें क्या दिखाई देगा, सेल वॉल दिखाई देगी, वैक्यूल्स दिखाई देंगे अनियन पील में। उसके बाद हमने चीक मतलब इनर लाइनिंग ऑफ चीक को ऑब्जर्व करना है। जब इसको हम ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप से तो हमें इसमें भी ना ही तो सेल वॉल दिखाई देगी और ना ही हमें इसमें लार्ज वैक्यूल दिखाई देंगे। क्या दिखाई देगा इसमें, थिन सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगी जिसकी शेप इरेगुलर होगी, ठीक है। बट इसमें अनियन पील में क्या है, सेल मेम्ब्रेन भी दिखाई देगा और सेल वॉल और वैक्यूल दोनों दिखाई देंगे। तो ये दोनों एक्टिविटी आपने स्टडी करनी है। सेकेंड पार्ट क्या है जो हमारा सेल में प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूड है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा। इसमें ये क्या है, इट ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मीन्स लाइक मान लो कि ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो इसके बीच का स्पेस जो है वहां पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म एक फ्लूड की तरह होगा। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। ये क्या है, सेल ऑर्गेनल्स हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है सेल का, न्यूक्लियस। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। ये क्या है, लिविंग सेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है। न्यूक्लियस इज ए लार्ज एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर क्या है, लार्ज है और स्फेरिकल है, जो एक सेल में प्रेजेंट है। स्टेनिंग के बाद क्या होता है, हम इसे इजीली देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। एनिमल सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस सेंटर में लाई करेगा, वेर इन प्लांट सेल, लेकिन प्लांट सेल में वो कहाँ लाई करेगा, पेरिफेरी इन द सेल, सेंटर में लाई नहीं करेगा। तो न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मीन्स जैसे अभी हमने देखा था कि दिस इज, ये जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जो सेपरेट करेगी मेम्ब्रेन, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या है, फ्लूड है जो प्रेजेंट है साइट न्यूक्लियस। ये क्या है, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटी सी स्मॉल राउंड बॉडी प्रेजेंट है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, क्या कंपोज होता है, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, मीन्स डीएनए बोलते हैं इसे। और ये जो क्रोमोसोम है ये क्या करते हैं, जीन्स को कैरी करते हैं। तो जीन क्या है, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन ऑर्गेनिज्म। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। मीन्स जीन्स क्या होते हैं कि पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक को उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं। मीन्स चाइल्ड के अंदर अपने मदर और फादर के जो करेक्टर है उनको ट्रांसफर करेंगे। फंक्शन क्या है इसका, न्यूक्लियस क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा और जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफर करेगा।
ऑफ स्प्रिंग में ये आगे एग्जांपल दिया कि ब्राउन आई है तो उसके सन और डॉटर की भी ब्राउन आई होंगी, और एग्जांपल है कर्ली हेयर है तो उनके आगे चिल्ड्रन के भी कर्ली हेयर होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट ऑफ सेल। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने सेल शेप एंड साइज, पार्ट ऑफ सेल और ये दो एक्टिविटी रीड करनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। और जो सेकंड यूनिट टेस्ट होगा वो आपका चैप्टर 2 का होगा, जिसकी आपने तैयारी कर लेनी है, वो शायद आपका संडे को होगा और डेट शीट आपकी ऐप में आपको मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।